अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ कुछ अलग वीडियो के साथ। तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो है ड्रेस डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो 5000 का बजट लेकर मैं निकल गई हूँ पापोश मार्केट। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो पापोश मार्केट जो है वो फेमस है अपने हैंडवर्क के लिए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे कपड़े हैं हैंडवर्क के और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। इस मार्केट में आपको स्टिच सूट भी मिल जाएंगे, अनस्टिच भी मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ से कुछ लेस वगैरह भी खरीदी थी मेरे अलग दूसरे सूट के लिए। बहुत घूमने के बाद फाइनली मुझे कोई कपड़ा समझ में आ गया। तो मुझे इसी तरह का बॉटल ग्रीन कलर चाहिए था, तो ये कपड़ा मैंने लिया नीचे के ग्रेड के लिए। ये वाला कपड़ा लिया बॉडी के लिए और ये वाला लिया नीचे के लहंगे के लिए, लहंगा या शरारा कुछ भी कह सकते हैं। तो बजट है 5000 का और इसमें ही जो है मुझे पूरा सूट लेना है। और ये जो कपड़ा आया है मेरा टोटल मिला के जो कॉस्ट हुई वो हुई 3000 की और मैंने इसकी स्टिचिंग पे की 2000। तो ये देखिए सूट ले लिया है और यहाँ देखिए मेरा सूट स्टिच हो गया था। मेरे दर्जी ने बहुत अच्छी स्टिचिंग की थी। मैं आपको डिटेलिंग भी बताती हूँ इसकी। बॉडी के लिए मैंने अलग कपड़ा लिया था और नीचे के घेर के लिए अलग कपड़ा लिया था। और नीचे वाला कपड़ा ही मैंने इसकी स्लीव्स पे भी लगवाया है ताकि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना दिखे। तो जो मैंने गला बनवाया है वो बनवाया है बे, और गले के नीचे जो है मैंने इस तरह से बटन लगवाए हैं। ज़्यादा नहीं लगवाए क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्क हुआ हुआ था। 18 इंच की मैंने इसकी बॉडी रखवाई है और नीचे का जो इसका कपड़ा है वो मेरे पास था 5 मीटर। और नीचे की जो है घेर बहुत अच्छी है, फ्लेयर बहुत अच्छा है। और ये कपड़ा था शिफॉन का। और स्लीव्स पे भी मैंने कुछ डिटेलिंग करवाई है, लाइट डोरी पाइपिंग करवाई है गोल्डन कलर की। और सेम ऐसी ही डोरी पाइपिंग मैंने फ्रॉक की पूरी घेर पे भी करवाई है। और यहाँ से आप देखें मैंने इसको थोड़ा सा बंद रखवाया है, बिल्कुल मामूली सा। और इसके बाद ये शर्ट ओपन है और ओपन शर्ट पे भी मैंने इसकी डोरी पाइपिंग करवाई है ताकि इसकी डिटेलिंग अच्छी लगे। मैंने इसको वेयर किया था और पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। मैं अपनी पिक्चर भी लास्ट में अटैच कर दूँगी, आप लोग देखिएगा कि वेयर करने के बाद ये कैसा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके नीचे का शरारा। उस पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया लेकिन उसकी मैंने जो घेर है वो बहुत अच्छी रखवाई है। और नीचे जो है उसकी मैं बहुत पतली सी जो है लेस लगवाई है। अब मैं शो करती हूँ आपको इसकी घेर, देखें अच्छी खासी इसकी घेर है ताकि जो है थोड़ा भरा भरा सा लुक आए। और ये नीचे की साइड पे मैंने दो लाइंस करके जो है इसमें लेस लगवा ली है। तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था इसका, आप भी बनवा सकते हैं इस बजट के साथ इस तरह का ड्रेस जो है। तो कपड़ों के लिए जो है एक पापोश मार्केट यहाँ पे बहुत फेमस है और इसके अलावा फैसल मार्केट भी बहुत अच्छी है। मैं वहीं से अपने जो है ज़्यादातर कपड़े बनवाती हूँ, कपड़ा लेती हूँ। और दर्जी जो है मेरा बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिचिंग करता है, जिस तरह से बताती हूँ उस तरह से मुझे करके दे देता है। मैंने जो है अपना ड्रेस इस तरह का ही सोचा था और बिल्कुल ऐसा ही डन हुआ है। ये जो ड्रेस है वो मैंने बनवाया था अपनी कज़न की मेहंदी के लिए। तो ये देखी मेरी पिक्चर और इस तरह का कुछ ये बना था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।